नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के आरोप में श्रीकांत त्यागी की तलाश को लेकर छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही श्रीकांत त्यागी की कुंडली भी खंगाली जा रही है। श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैसे भंगेल का श्रीकांत त्यागी इतना रसूख वाला बन गया जो एस्कोर्ट और बाउंसर के साथ चलने लगा। दरअसल भंगेल में नोएडा अथॉरिटी ने जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिसमें श्रीकांत त्यागी के परिवार की भी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन थी। श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा अथॉरिटी की तरफ से मिला था। इस पैसे के बल पर ही श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा और अपना रसूख बढ़ाने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कोर्ट और राजनीति का चस्का। जी हाँ, पैसा आते ही श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगा। उसके आगे पीछे स्कोर्ट हुआ करती थी। बाउंसर की लंबी फौज लेकर वह अपना भोकाल टाइट करने लग गया। इसी बीच उसे राजनीति का चस्का लगा और बीजेपी के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने लगा। उसने बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क किया और अपना रसूख बढ़ाता चला गया। जिस वक्त श्रीकांत त्यागी अपने गांव भंगेल में रहा करता था, तब उसके घर के बाहर बकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग लगी होती थी। पुलिस पिकेट लगाए जाते थे, बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए बकायदा मेटल डिटेक्टर तक लगाया गया था। श्रीकांत के इलाके में प्रवेश करने से पहले तलाशी देनी होती थी। श्रीकांत त्यागी के घर पर स्नीफर डॉग भी लगाए गए थे। श्रीकांत की संपत्तियों की हो रही है पड़ताल। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के अंदर की तहखानी के जरिए बड़ा कमरा किस आधार पर बनाया गया था। यही वजह है कि ओमैक्स के कई अधिकारी भी इस जांच के घेरे में आ गए हैं। नोएडा प्राधिकरण श्रीकांत त्यागी की संपत्तियों की जांच कर रही है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी ने कई अधिकारियों को इस काम पर लगाया है कि उसकी संपत्तियों की डिटेल निकाली जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर श्रीकांत त्यागी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो पुलिस उस पर कुर्की की कार्रवाई भी कर सकती है। नोएडा अथॉरिटी में भी हुआ करता था श्रीकांत का जलवा। दरअसल नोएडा अथॉरिटी में भी श्रीकांत त्यागी का सिक्का चलता था। श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया में दीवार खड़ी की, बेसमेंट में अवैध निर्माण किया। 2019 में बकायदा इसकी लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल से अथॉरिटी के अफसर फाइल दबाए बैठे रहे थे। नोएडा के श्रीकांत त्यागी का लखनऊ में भी बड़ा विवाद हो चुका है। पत्नी की गैर मौजूदगी में एक महिला मित्र श्रीकांत त्यागी से गोमती नगर स्थित फ्लैट पर मिलने पहुंची थी, तभी अचानक पत्नी पहुंच गई। इसके बाद महिला मित्र और पत्नी के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। 3 फरवरी 2020 में श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने गोमती नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो देखा आपने, ऐसा भोकाल टाइट कर रखा था इस गालीबाज नेता ने। अब योगी सरकार का चाबुक उसके ऊपर जमकर चल रहा है और जल्द ही वो जेल की सलाखों के पीछे भी आ जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।